हेलो हेलो, वेलकम टू द वीडियो। देखो, मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग वेटनरी डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर करने का सोच रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या स्कोप है, आपको जॉब कैसे लगती है और कहाँ कहाँ पर आपको जॉब लग सकती है। बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कैसे जॉब लगेगी। और अभी आपको बता दूँ कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ रही है। तो आपको बताता हूँ एक बार पूरा वेटनरी डिप्लोमा के बारे में। देखो, वेटनरी डिप्लोमा जनरली जो होता है 12th के बाद कोर्स होता है। पीसीबी अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं वेटनरी डिप्लोमा। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि ये 2 से 3 साल का होता है। काफ़ी सारे स्टेट में 3 साल का होता है, काफ़ी सारे स्टेट में 2 साल का होता है। इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बट ये जो है ये एक डिग्री कोर्स नहीं है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने अपने उससे ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब कि आप अपनी पर्ची नहीं लिख सकते और किसी को दवाई दे नहीं सकते। मतलब लीगली किसी को आप दवाई नहीं दे सकते। बिकॉज़ यहाँ पर एक जो लिमिटेशन है कि वो डॉक्टर नहीं रहोगे आप, तो इसलिए आपको एक लिमिटेशन हो जाएगी कि आप किसी को मन से दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन है अब। तो आपके पास जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो एक, तो देखो सबसे कॉमन ऑप्शन पहले आपको बताता हूँ, फिर आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन बताऊँगा। सबसे कॉमनली कॉमन जो ऑप्शन है जो वेटनरी डिप्लोमा वाले बच्चे करते हैं वो क्या होता है, सबसे पहला ये है कि वो किसी वेटनरी क्लिनिक को ज्वाइन करते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन उनको ये लगता है कि भाई जो भी आसपास जो भी सबसे बड़ा वेटनरी क्लिनिक है वहाँ पर हमेशा वेटनरी डिप्लोमा के बच्चों को लिया जाता है। बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वेटनरी डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी। तो वहाँ पर आप जा कर के असिस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और वहाँ पर जो आप काम सीखेंगे उसके बेसिस पर आपका एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़ेगा। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप और अच्छी जगह जा सकते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो क्लिनिक्स है वहाँ पर वेटनरी डिप्लोमा वालों को 20,000 30,000 तक सैलरी मिलती है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इनिशियल सैलरी है। जैसे जैसे आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप अगर सर्जरी में असिस्ट कर रहे हो, आप सर्जरी किसी सर के साथ करवा रहे हो और किसी अगर आप किसी मेडिसिन वाले सर के साथ हो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपको भी एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा और इसके कारण आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये एक आपका पाथ हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप इसके बाद वेटनरी डिप्लोमा करने के बाद एक और कोर्स परस्यू करो, इससे ऊपर का कोई सर्टिफिकेट कोर्स। वेटनरी में कोई दूसरे कोर्सेज भी होते हैं, आप थोड़ा सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि वेटनरी डिप्लोमा के बाद आप कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वो कोर्सेज आप परस्यू करो, 1-1.5 साल के कोर्सेज होते हैं वो। अगर वो आपने कर लिए तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। बिकॉज वेटनरी डिप्लोमा तो सब लोग कर लेते हैं, उसके बाद जो ये सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वो बहुत ही कम लोग करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी है वो ये कोर्स कराती है, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि क्लिनिक आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि आप सर्टिफिकेट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, जो जो यहाँ पर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उनकी तैयारी कर सकते हो। आप जनरल पीएससी की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको बताऊं तो वेटनरी डिप्लोमा की अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, अलग अलग तरीके से उसकी जो भर्तियां है वो भरी जाती है। तो वेटनरी डिप्लोमा जो है उसकी जो भर्तियां भरी जाती है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से भरी जाती है। बट काफ़ी बार ये होता है कि ऑल इंडिया के बच्चे जो है उसमें बैठ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अलग अलग स्टेट में देखते रहना है कि कहाँ पर वैकेंसीज निकल दी है वेटनरी डिप्लोमा की, और वहाँ पर जा करके आपको अप्लाई करना है बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में कब वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताया, क्लिनिक बता दिया, दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स बताया, तीसरा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट वैकेंसीज। चौथा जो ऑप्शन है सबसे बढ़िया जो एक आप बोल सकते हो ऑप्शन, उसमें ये होता है कि वेटनरी डिप्लोमा करने के बाद आप खुद का काम शुरू कर सकते हैं। बिकॉज़ जो अपना जो फील्ड है वेटनरी का उसमें आप देखेंगे अगर आपके पास फार्म है, अगर आप गोट फार्म खोलते हैं या फिर आप पिग फार्म खोलते हैं, कोई भी आप फार्म खोलेंगे तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम बहुत बहुत बढ़िया भी चल रही है। मतलब 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 लाख तक के लोन आपको मिल जाएंगे। गवर्नमेंट के थ्रू आपको लोन्स की स्कीम बढ़िया से अच्छे से मिल जाएगी, बिकॉज आपने वेटनरी डिप्लोमा भी करा हुआ है। आपका जो वेटनरी डिप्लोमा है सबसे बेस्ट यहाँ पर काम आएगा कि आपको इजीली लोन मिल जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो आपको ये भी आप कर सकते हैं कि खुद का आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आप गोट फार्मिंग, शिप फार्मिंग, पोल्ट्री, आप पोल्ट्री बर्ड्स को पाल सकते हैं, चिकन वगैरह, और अलग अलग तरीके से आपको जो भी आप सोच सकते हैं वो सब आप कर सकते हैं। तो ये भी आपका पास एक ऑप्शन है बढ़िया सा, बिकॉज ऑफ वेटनरी फील्ड से रिलेटेड है।
तो आपको बहुत ही आसानी से वहाँ पर गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर देगी। और वहाँ पर बहुत सारी अभी स्कीम्स भी चल रही है, अगर आप देखेंगे तो आपके स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की स्कीम्स चलती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इसको आपको पता करने के लिए आप किसी भी पास वाले, अगर आपके पास एग्रीकल्चर कॉलेज है या वेटनरी कॉलेज है, तो वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर आप किसी भी प्रोफेसर से मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स अभी चल रही है, और बहुत ही बढ़िया से आपका बिज़नेस शुरू हो सकता है। तो ये चौथा ऑप्शन है बिज़नेस करने का खुद का, क्योंकि आप अगर जॉब में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम अभी 20,000 to 30,000 रुपीज़ मिलेंगे, मतलब 20 से 30,000 रुपये आपको मिलेंगे। बट अगर आप खुद का बिज़नेस करेंगे थोड़ा सा रिस्क लेकर के, तो हो सकता है कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल जाए और आपके अंडर बहुत सारे डॉक्टर्स और बड़े बड़े लोग जो है वो काम करें। मैंने एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिसके अंडर जिसके जिसमें बेसिकली जो डिप्लोमा वाले होते हैं या फिर जो पशु चिकित्सक होते हैं, जो जो कि इतना अच्छा नहीं कर पाते पढ़ाई में, बट उनका जो बिज़नेस माइंड होता है वो बहुत अच्छा होता है। और उसके एक बार वो बिज़नेस चल गया, उसके बाद वो एक हाई लेवल पे जा करके काफ़ी ज़्यादा जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं उनको भी हायर करते हैं। तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। बिज़नेस बता दिया, वेटनरी क्लिनिक को ज्वाइन करना बता दिया मैंने, गवर्नमेंट वैकेंसीज बता दी आपको, है ना, सर्टिफिकेट कोर्सेज बता दिए, ये आपका जो मेजर ऑप्शंस हैं। तो ये आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपनी वेटनरी डिप्लोमा अगर अभी शुरू करने जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आप जो जनरल पीएससी होती है, आपके जो स्टेट में जो पीएससी होती है, उसकी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बिकॉज आप डिप्लोमा जो 2 साल पढ़ेंगे उसमें आपके पास काफ़ी फ्री टाइम रहेगा, तो उसके साथ साथ आप उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। बिकॉज अभी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो जो डिप्लोमा करके भी जो एग्ज़ाम होती है ना, डिप्लोमा के थ्रू जो गवर्नमेंट जॉब लगने की, उसमें भी जीके और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा एक तरीके से स्कोप आगे बढ़ सकता है। तो ये कुछ जॉब्स थी। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनीज जो होती है, जो दवाई बनाने की कंपनी होती है, पशु की जो दवाई बनाते, पशु आहार, जो न्यूट्रिशन की जो कंपनीज़ होती है, उनमें भी डिप्लोमा वालों को रखते हैं। तो बिल्कुल आप वहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं, अपने आसपास आपको देखना है कि आपके आसपास कौन सी कंपनीज़ है, और वहाँ पर जा करके थोड़ा सा रिसर्च करनी, अप्लाई करना है, तो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल जॉब मिल ही जाएगी। आपको इससे रिलेटेड कंपनीज़ के पूरे लिस्ट भी मैं दे दूंगा, मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी कि हाउ टू गेट जॉब इन वेटनरी, तो अगर आप मेरे चैनल पर वो सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल वो वीडियो अगर आपको देखना चाहिए, अगर आपको सीरियसली जॉब चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वेटनरी डिप्लोमा से रिलेटेड मैं सारे कंटेंट यहाँ पर डालते रहूँगा, कोई भी मुझे जॉब के बारे में पता चलता है आई विल इन्फॉर्म यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।